अरे प्रीत, तुम ये हाथ में क्या पहनी हो आज? तुमने ग्लव्स नहीं निकाले? ग्लव्स? हाँ, मैंने आज ग्लव्स नहीं निकाले यार। तुम भूल गई ना आके? हाँ। अरे वो इसलिए मैं भूल गई क्योंकि पता है देखो, जहाँ से ऐसे फिंगर्स वाले रहते हैं ना, वो रेडीमेड जाते हैं, वो फिर पता है हाथ पूरे हाथ में रहते हैं तो निकालने का ध्यान रहते हैं। अब लेनर वाले ग्लव्स है तो ध्यान नहीं निकालने का। थक गई प्रीति? झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद तो थक ही जाते हैं। बस की नहीं बसती ना काम करने की, इतनी दूर से आओ फिर। हाँ, पाँच घंटा तक आओ, फिर पता झाड़ू लगाओ, ऐसे में लगता है अब तो आराम। दस एक मिनट आराम कर लो फिर काम करेंगे। चलो ग्लव्स तो निकाल ही दें ना। हाँ, नए टाइप के ग्लव्स बनाए मैंने अभी अभी। पहले वो भैंसे वाली पहन लेती थी, वो फिंगर्स वाली जो है ना, वो रेडीमेड जो खरीदे थे। फिर जब से रोड खराब हुई अभी बारिश की वजह से, तो इतनी धूल और मतलब गड्ढे गड्ढे हो गए सब में, तो मतलब गाड़ी चलाने के लिए भी फिर अच्छे ग्रिप नहीं बन पाती उनमें, ऐसे हाथ फिसल फिसल जाते हैं। फिसल फिसल जाते हैं वो ऐसे, मतलब फिंगर्स वाले पहन लेते हैं पूरे वाले, वैसे पकड़ने में ऐसे होता है, हाथ फिसल फिसल जाते हैं, ऐसे पकड़ाती नहीं, वो एक्सीलेटर नहीं जाता है, ऐसे इधर उधर इतने तेज दुखने लगते हैं, इसलिए मैंने वो वाले पहनने बंद कर दिए। तो देखना हाथ कैसे जल गए, स्किन जल गई है तभी तुम्हारे लड़कों जैसे हाथ दिखते हैं वीडियो में। तो फिर मैंने कहा पिछले साल के ये वाले पड़े थे मेरे, ये मैंने पिछले साल बनाए थे ना, ये मैंने बनाए थे, मेरे पास एक पुरानी इनर पड़ी थी मेरी, तो मैंने उसकी यहाँ यहाँ तक के हाथ आस्तीन काट ली, क्योंकि वो कंधे पे यहाँ छेद हो गया था, उसमें ऐसे एंगर पे टांग दे दी मैं, तो पीछे पीछे यहाँ यहाँ एक साइड से छेद हो गया था तो फिर खोखो से काम की तो थी नहीं पहनने के, तो मैंने उसको क्या करा, यहाँ यहाँ की स्लीव्स काट ली और यहाँ ऊपर साइड ये इलास्टिक डाल ली, ताकि यहीं पर पहने अपन ऐसे करके तो यहीं बने रहे। तो मैंने इस टाइप के ग्लव्स बना लिए, अभी यहाँ तक बन जाते हैं, कम से कम यहाँ यहाँ तक के हाथ तो बच जाएंगे, ये भले ही काले हो जाएं, फिर अब क्या कर सकते हैं, जितने बच रहा है उतने तो बचा लें अपन धूप से। बाकी कपड़े का क्या किया प्रीति? बाकी कपड़े का क्या किया ये देख लो, बाकी कपड़े का क्या क्या किया, हमने अपनी दुकान का पोछा बना लिया। कुछ भी सामान फेंका नहीं है, इतना नहीं चाहिए, सब यूज करो। और क्या, काहे के लिए फेंकेंगे? नहीं, इस बता दीदी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, इससे पोछा बहुत अच्छा लग जाता है, इसलिए मैं, और ठंडा ठंडा भी बहुत होता है, ऐसे मैं इसको पहन के आई थी ना अभी गर्मी में, तो धूप में बिल्कुल भी ऐसे जल नहीं रहे थे हाथ, एकदम ठंडा से ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने कहा अच्छा है ये वाले पहन ले रही, और फिर वो वाले अभी पहनेंगे, पहन भी नहीं सकते, गड्ढे इतने हो रहे हैं रोड पे के, गाड़ी चलाने में इतने तो हाथ दुखने लगते हैं कि वो तो पहन ही नहीं पाते, मैंने हाथ जलाने से अच्छा यही पहन लेते हैं। ऊपरी जी, तुम आज ये पैक वाला कॉलर पहन के आई हो ना? हाँ, ये वाला बता देंगे अपन, आज निकला है ऐसा गला। अच्छा, किसी ने कोई पूछ रही थी कि अपन ऐसा वाला गला बताना है ना, ठीक है, तो ये वाला गला आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दर्पण बुटीक। और कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मैं तो यही चाहती हूँ सब लोग मस्त बिंदास रहे, अच्छे से खुश रहे, खुश रहे, मतलब अच्छे से जिए बिंदास तरीके से, वैसे मैं जीती हूँ। मतलब हमेशा खुश रहे सब लोग, मैं तो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि मुंह बनाने से तो कोई फायदा नहीं है, फालतू टेंशन होती है, वही वही बात अपन बार बार सोचते रहते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, कोई कुछ भी बोलता रहा क्या करना है सबको, वो तो मुंह होता है सबका बोलने के लिए, तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, इसलिए कोई कुछ भी बोलता रहा अपन को किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपन तो बिंदास जीते हैं, और आप लोग भी ऐसे बिंदास जियो, किसी की बात का बुरा मत मानो, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से अब फैमिली रहते हैं, तो कोई ना कोई कुछ बोलता ही रहता है, हम लोग भी हमेशा हर कभी लड़ाई हो जाती है एक मिनट के अंदर, हम लोग एक मिनट नहीं दस एक मिनट का ही बोलते हैं, बोलने लगते हैं, नहीं मतलब दस एक मिनट अपना अपना काम करते रहते हैं, और फिर जैसे कुछ काम पड़ा तुरंत बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं लड़के बैठ गए तो बोल ही नहीं रहे, नहीं ऐसा ऐसा हम लोग बिल्कुल कभी नहीं करते, आप लोग भी कभी मत करना ऐसा, हमेशा खुश रहना और सबके साथ अच्छे से हंसते बोलते रहना, क्योंकि उसी में मज़ा है, नहीं तो टेंशन लेने में कौन सा मज़ा है। चलो ठीक है, अब अपन जल्दी से काम करना स्टार्ट करते हैं। तुम ग्रे वाला कुर्ता काट रही, ये तो वही कुर्ता है ना दीदी जो अपन बताएं? हाँ, अच्छा हो जाओ बता दे रहे। ये हमने आगे वाला पल्ला लिया है, पीछे वाला हमने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर गोलाई हमने पहले से ही कर ली, और ये तो हमने एक बार आपको बताया ही था, स्टैंड कॉलर वाले जो कपड़े होते हैं उनके शोल्डर हमको थोड़े बड़े रखना पड़ते हैं, और थोड़ा सा आधे इंच उसको तिरछा भी रखते हैं, एकदम सीधा नहीं रखते, हल्का सा तिरछा रखते हैं यहाँ से, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से ढाई इंच, ये देखिए ढाई इंच शोल्डर रखे, कितने इंच के हैं? वैसे साढ़े सात के, मतलब सात बन के आएंगे। अच्छा आधे इंच, हाँ साइज भी कमी है इसलिए कमी रखे हैं ना, नहीं पतली है बिल्कुल, ढाई इंच हमने फैलान रख दी, ठीक है, और ढाई इंच हमने यहाँ रख दिया, गहराई ना, गहराई डीप रख दिया, ढाई इंच उसकी, और साढ़े सात इंच का निशान हमको एक और लगाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल से इसकी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे। ये दुबली है इसलिए हमने छोटा सा गोल बनाया है, नहीं तो मतलब बड़ा साइज हो तो आप इसको तीन भी रख सकते हैं,
मतलब को यहाँ से यहाँ तक तीन भी रख सकते ठीक हो। है मतलब जो गले की गोलाई है डीप को तीन रख सकते हैं अगर किसी बड़े साइज का बनाना है तो। और इसको बीच में से कट कर देंगे, कट कर देंगे। ये देखिए हमने 7.5 इंच का किया है और ये पीछे वाला पल्ला लिया हमने और इसमें भी हमने 2.5 इंच की फैलान रखना है और यहाँ से हम ऐसी गोलाई कर देंगे जैसे हमने पिछली बार की थी वी गले में ना। हाँ यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, नहीं बीच में छोटा सा कट लगा दिया। ये हुआ हमारी गले की कटिंग। तो गाइस पता क्या है, अभी आंटी भी नहीं है, देखिए उनकी मशीन अभी खाली पड़ी है, आज संतान सप्तमी है तो आंटी उसकी पूजा करने गई है और मेरी तरफ से और दीदी की तरफ से है ना दीदी। हाँ आप सभी को हैप्पी संतान सप्तमी, सभी लोग जो जो व्रत कर रहे हैं उनका व्रत सफल हो और मतलब उनके बच्चे भी अच्छे से मतलब सब चीज़ सुने, उनकी बात माने सब मम्मियों की, उनके बच्चे। अभी दोपहर है तो आप आज अभी कमा रहेंगे तो मैं सोच रही हूँ जल्दी ये इसकी स्टिचिंग और कर लें, सिलना और बता दो कि कैसे शाम होते से ही फिर माइक बजने लगते हैं। आज अभी गणेश जी बैठे हुए हैं तो अभी गणेश जी के टाइम पे सब में पंडाल सब खुल जाते हैं और बस चालू हो जाते हैं, कर चालू हो जाते हैं। ठीक है तो जल्दी से अपन इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको अलग अलग कर लेना है, बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को। और फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे सामने की तरफ रखना है सीधा करके, ये यहाँ से हमारा सीधा है और ये देखिए यहाँ से जो निशान वाला है ये उल्टा साइड है, इसको हम नीचे कर देंगे। और ये जो सीधे साइड में ये वाला जो रहेगा हमारे हाथ के उल्टे वाले साइड का, इसमें लगाएंगे हम पट्टी हाई की। और ये हमने पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी और इसको हमें इसके नाप से ले लेना है और बाद में जो भी बड़ी होगी उसको हम कट कर देंगे। और सबसे पहले इस पट्टी को हमने 2 इंच का लिया है और यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक बूट के बराबर इसको दबा के हमें सिलना है। और इसको हमें सिलना है यहाँ तक, जो हमारा कट है ना यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है एक बूट की। और यहाँ पे हमें पक्की कर देनी है सिलाई और इसके बाद ऐसे घुमा के इसको बाहर निकाल देना है। यहाँ पे हमें इसे तिरछे में कट लगा देंगे और इसको यहाँ से पलट के अंदर मतलब पलट दिया है हमने उल्टा साइड आ गया ये। और यहाँ पे हमने मतलब पट्टी को बाहर साइड रखा है और इसको यहाँ से इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, ये देखिए हो गया फोल्ड। और यहीं से सिल देंगे बस, पूरा नीचे तक नहीं सिलना है, आधा तो हम कट करके हटा देंगे। इतना हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे, तरीके से हमारी लग गई है और हमने जो सिलाई लगाई ना देखो यहीं पे लगाई हमने, ये जो हमारी अंदर वाली सिलाई है इसके ऊपर साइड, ये बाहर नहीं जा रही सिलाई, नहीं तो यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाती वो हमारी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने बिल्कुल पट्टी के यहाँ पे हमारी सिलाई आई है। पीछे साइड से लगाई तो भी हमने ये सही लगाई है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और पट्टी यहाँ वाली लग गई है, अब हम लगाएंगे इस साइड पट्टी हुक वाली। तो अब हम इसको उल्टा कर देना है, जो हमारी निशान वाली साइड है वो लेंगे, वहाँ से हम इसको लगाएंगे। इसको हमने ऊपर से ही लगाया था, इसको हमने यहाँ से लिया है 3.5 इंच का, ठीक है। और यहाँ से हमने कितने इंच का लिया है 12 इंच का, इसको हम यहाँ से लगाएंगे और इसमें भी हमें उतना ही दबाना है, कितना एक बूट के बराबर। इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे मोड़ लें, यहाँ पे थोड़ा सा होल हो गया है तो हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। सेम इसमें भी घुमा के हम निकाल देंगे बाहर। और अब हमें यहाँ पे भी इस तरीके से कट लगाना है तिरछे में, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसको पलट के हम कर लेंगे सीधा। देखो प्रीति ये क्यों किया अपन ने, एक अंदर से और एक बाहर से लगाई, बताओ समझाओ सबको। देखो ये वाली जो रहेगी ना ये हमने अंदर से लगा, ये ऊपर से लगाई थी अंदर की साइड, और ये वाली हम पलट के इसलिए ऊपर ला रहे हैं ताकि इसकी फिनिशिंग ये हमारी ऊपर दिखती है। ये जो सामने वाली पट्टी है ना ये हमारी फिनिशिंग की दिखना चाहिए, अंदर वाली फिनिशिंग की नहीं भी रहेगी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सामने वाली अगर फिनिशिंग नहीं दिखेगी तो वो हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे उसमें धागे वागे निकले दिखें या फिर सिलाई उसकी यहाँ, मान लो देखो ऊपर से लगा रहे हैं तो अपन की सिलाई हमें दिख रही है, पीछे साइड से लगाते हैं सिलाई दिखती नहीं है, तो अब इस पर अपन जो सिलाई लगाएंगे वो दिखेगी ऊपर से लगाएंगे, तो इसलिए अपन ने इस वाले को ऊपर से लगाया है ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छे से दिखे। अब इसको हमें करना है फोल्ड, इसको हमने इतना फोल्ड किया और इसके बाद इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे हम, ये देखें। और ऐसे में चाहिए हमें ये 1 इंच की। और अब लगाएंगे, देखो ये जो सिलाई के बाहर रखनी है हमें इस पट्टी की सिलाई को, ये नहीं सोचना है कि हम इस सिलाई के ऊपर जैसे हमने इसको लगाया इसको भी लगाना, नहीं थोड़ा सा इतू सा इसको इस साइड रखना है, ये इसको हमें पहले फोल्ड करके और इसे जमा के रख लेना है, ठीक है। और ये जो हमारी ये वाली जो नीचे वाली पट्टी है इसको हमें इधर मोड़ देना है और अब लगाना है हमें इसके ऊपर सिलाई, को पहले से ही बना के। ये जो हमारी सेंटर की लाइन है, अगर आपको सेंटर की लाइन नहीं पता हो तो पहले आप ऐसे निशान लगा लें, ये नहीं तो कहीं से टेढ़ी भग जाए, कहीं से ऐसी हो जाए तो फिर आप बोलो प्रीति ने गलत सिखा दिया।
अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा सेंटर का निशान है, यहाँ से बीच में आ रही है। यहाँ पे नोक भी बना सकते हैं ऐसे वी वाली जो नोक होती है, और मुझे चौकोर लगाना पसंद है इसलिए मैं चौकोर ही लगाती हूँ। सुई को मतलब अंदर रखना है और यहीं के हेम इसको मशीन को घुमाना है। ये जो हमारी पट्टी रहेगी इसको कर देना है हमें पीछे की साइड। अब ये जो कट है हमारा, यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है। अब यहाँ पे सुई को अंदर रखना है और यहाँ पे इधर घुमा देना है, घुमा के हमें सिलाई लगानी है। पक्का करा, बाहर निकाला, यहाँ से इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा, सारी फिनिशिंग कर देंगे। अब इस पट्टी को हम यहाँ से कट करके बराबर कर लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है, अभी इसको हमने अभी सीधा ही रखा है, इसको उल्टा नहीं करा है। और ये बैक वाला जो पार्ट है ना, अब हम इसको रखेंगे ऐसे मतलब उल्टा करके, ये उल्टा वाला साइड ऊपर आ गए और सीधी वाली साइड अंदर, और ये भी सीधा। इसको हम यहाँ पर रख के और यहाँ से जोड़ लेंगे अब शोल्डर। यहाँ से हमें ये देखने में समझ में नहीं आता, इसलिए हम पहले इसको पलट के सीधा कर लेते हैं, मतलब फ्रंट पार्ट को ऊपर कर लिया। अब हमें ये अच्छे से दिख रहा है तो हम यहाँ से इसको ऐसे बराबर मिलाएंगे और इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे, और इस पर भी हम डबल सिलाई करके मिला के मतलब डबल सिलाई करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने शोल्डर दोनों ज्वाइन कर दिए। अब ऐसे हमने ये कट किया है ना, ऐसे ही मैं आपको ये वाला कट करना बता देती हूँ। ऐसे ये तिरछा हम इसको काट देते हैं ना, तो जब हम स्टैंड लगाते हैं ना, चाहे इस साइड दब जाए चाहे इस साइड दब जाए, कहीं पे भी ये खिंचेगा नहीं। अगर आप पूरा मतलब सीधा कपड़ा रहता है ना तो दब जाता है ना, तो खिंचता है फिर। अब हम इसको सिंगल कर लेंगे, ये सीधा कर लिया है और हमने ये सिंगल कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ से ऐसे की वाली पट्टी से स्टैंड को नापेंगे। पूरा घुमा घुमा के आराम आराम से नाप लेंगे। इसमें आ रही हमारी 16 इंच की स्टैंड, तो ये हमने ले लिया है हमारे बकरम, और 16 इंच का हम इसमें से नाप लेंगे बकरम को। इसकी जो चौड़ाई है ये 2 इंच का है, ये देखिए। मतलब जब इसकी कटिंग होती है तो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन अपन 2 इंच की पट्टी बोल के लाते हैं तो यही मिलता है। ये पेस्टिंग वाला बकरम है, इन दोनों कॉर्नर्स को हम मिला लेंगे। तो यहाँ से अब इसकी हम कटिंग करना है, आधे इंच से लेना है हमें ये, ऐसे करके हमें इसका शेप डालना है, ठीक है। घुमा लेंगे ऊपर साइड से, लेंगे वी में इसकी कटिंग करेंगे, तो फिर घुमाएंगे ऊपर साइड से। हमें यहाँ से ऐसे कट करना है। ये हो गई हमारी स्टैंड कॉलर कट, कुछ इस टाइप की रहेगी ये। ये देखिए ये 1/2 इंच की है लगभग। ऐसे में तो नाप के ही लगानी है हमें सभी, मतलब सभी में जितना नाप आएगा उसके हिसाब से लगाएंगे। अब हम इस स्टैंड को इसमें पेस्ट करेंगे कपड़े में, तो ये हमने कपड़े को बिछा लिया है और स्टैंड को इसके ऊपर रखेंगे। और अब हमें क्या करना है, ऐसे प्रेस को लगाना है। ये इसमें पेस्ट हो चुकी है, आधे आधे इंच दूर से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये गोलाई वाला हिस्सा है जहाँ एक दो कट मार लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड करना है, इससे चिपकाना है इसको, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से, एक एक दो दो पॉइंट दूर से, दो पॉइंट दूर से बस। अब हमने इसको पलट मतलब कट करने के बाद इसको पलट के रख लिया है। अब इसके नाप से हम इसकी भी कटिंग करके इस कपड़े को अलग कर लेंगे नीचे वाले को। अब ये देखिए इसके नाप से हमने इस कपड़े को कट कर लिया है, और यहाँ से हमने ये आधे आधे इंच लगभग बड़ा रखा था। अब यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा के इसको यहाँ तक अटैच करेंगे। यहाँ पे सुई अंदर करेंगे, घुमाएंगे, बकरम की बिल्कुल बगल से सिलाई लगानी है, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। अब हम इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, आधे आधे मतलब सभी जगह बराबर मार्जिन हो जाए, इस तरीके से हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। सिलाई में दब जाएगा इसलिए हम इसमें मार्जिन हमने रख लिया है। अब इसको घुमा के यहाँ से फिनिशिंग करके और यहाँ गोलाई वाले हिस्से में कट लगा देंगे। अब इसको हमें पलट के और यहाँ से इसको मिलाना है कॉर्नर्स को, और बीच में लगा लेना है एक कट, और इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे और पेंच कर से नोकों को बाहर निकाल लेंगे। ये अब हमारी स्टैंड तैयार हो चुकी है। अब हमें कुर्ते को ले लेना है, और कुर्ते को रखना है हमें उल्टा करके। ये देखिए बैक साइड से रखा है हमने, और इसको हम यहाँ से अंदर करेंगे मशीन के।
अब ये स्टैंड लेंगे, स्टैंड हमारी सीधी है और कुर्ता हमने उल्टा रखा है, जैसे मैंने आपको उस दिन सिखाया था, अभी हमें वैसे ही लगानी है। यहाँ से हम इसको रखेंगे, यहाँ से पक्का कर लेंगे और ऐसे ही कर करके धीरे धीरे माँ तक ले जाएंगे। इस वाले हाथ से ऐसे स्टैंड को पकड़ के रखना है और घुमाते जाना है। और ये कट और ये कट हमारा मिल गया है दोनों। ये देखिए यहाँ कॉर्नर तक लाके इसमें, यहाँ कॉर्नर तक लाकर हम इसमें पक्की करके सिलाई लगा देंगे। और स्टैंड को मैंने यहाँ टेढ़ा करके पकड़ लिया था ताकि स्टैंड के ऊपर बिल्कुल कहीं पे भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। और इसके बिल्कुल ये स्टैंड का यहाँ ख़त्म होता है ना कॉर्नर, बिल्कुल वहीं तक हमने ये सिलाई ली है ताकि बाद में कपड़ा ना दिखे। अब हम इसको घुमा के सीधा कर लेंगे, देखिए हमने सीधा कर लिया है। अब इसको हम इसके अंदर कर लेंगे मशीन के वापस सीधा करके, और यहाँ से सब मार्जिन जो भी मतलब धागे वगैरह दिख रहे हैं उनको अंदर करेंगे और यहाँ पे इस स्टैंड के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके ये चेक कर लेंगे, अगर स्टैंड छोटी बड़ी हो रही हो ना तो ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ना इसके मार्जिन को यहाँ से ऐसे इसमें कट लगा दो, दोनों साइड के मार्जिन में ऐसे कट लगा सकते हैं हम, तो स्टैंड एकदम सही बैठ जाएगी। इसके भी जो धागे वगैरह रहेंगे इनको काट के बाकी मार्जिन को हम अंदर कर देंगे स्टैंड के। कॉर्नर पे हमने पक्का कर लिया, यहाँ पे अंदर किया और यहाँ से घुमा के अब स्टैंड के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से भी घुमा के और इधर तक हम सिलाई पक्की कर देंगे। ये देखिए बाहर निकालने के बाद ये कुछ ऐसी रहेगी, इस पे अच्छे से ऐसे हाथ फेर के इसको जमा देंगे। हाथ फेरने की जरूरत नहीं, प्रेस कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे तो जम जाएगी अच्छे से। देखिए लगी कितनी बढ़िया है, फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है। और इस टाइप के गले में ना दुपट्टा डालने की बिल्कुल टेंशन नहीं होती, इसलिए मैं इस टाइप के गले बनाना बहुत पसंद करती हूँ। मेरे बहुत सारे कपड़ों में ऐसे आपको गले मिलेंगे, आप लोग नोटिस करना। पहले तो मेरे पास बहुत ही सारे थे दीदी, अब तो तुम तो सभी कपड़े ऐसे ही बना के बैठ जाती थी। और स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह में भी ये बहुत चलते हैं। और अब हम इसकी मतलब पूरा कुर्ता बना देंगे और फिर हम आपको आपको पूरा कुर्ता दिखाएंगे कि लग कैसा रहा है। यूनिफॉर्म है ये, हमारे कॉलेज है एक बगल में, उस कॉलेज की यूनिफॉर्म है। तो देखिए गाइस ये कुर्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ की जो पट्टी लगाई अपन ने, यहाँ का अगर बड़े, ये तो छोटे साइज का है, मेरे जितने साइज का है लगभग, और अगर बड़े साइज का थोड़े हैवी साइज का बना रहे हो आप, तो ये जो मतलब कट की जो लंबाई रखी थी मैंने 7.5 इंच रखी थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, अगर थोड़ा मतलब हैवी साइज का बनाओ तो आप 8.5 भी रख सकते हो ताकि मतलब सड़ जाने प्रॉब्लम ना हो। छोटे साइज का इसलिए हमने छोटा रखा था, अगर थोड़े से हैवी साइज का बनाओ आप थोड़ा बड़ा रख लो। गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारी 35,000 की YouTube फैमिली हो गई है, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। 35,000 की YouTube फैमिली हो गई हमारी, और जब हमारी 50,000 की YouTube फैमिली हो जाएगी तब मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ मैंने मतलब अभी से प्लान करके रखा है, तब आपको मिलेगा वो। तो आप लोग और सपोर्ट करिए ताकि हमारी 50,000 की YouTube फैमिली हो जाए और वो सरप्राइज़ आपको मिले। और मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी इंस्टा आईडी बना लूँ, क्योंकि अभी तक मेरी इंस्टा आईडी नहीं है। तो आप लोग अगर चाहते हैं और आप लोगों को कुछ मतलब, क्योंकि सभी को काम पड़ता रहता है, कुछ ना कुछ कि कुछ पूछना रहता है, तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो आप लोग चाहते हैं अगर इंस्टा आईडी बना लूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैं बना लूँ या नहीं बनाऊँ। तो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और अभी मतलब हम लोग घर चलते हैं, गुड़िया बुला रही है क्योंकि बताएं वो बोल रही है कि नूडल्स चैलेंज करना है और यहाँ पे बहुत सॉन्ग बज रहा है, तो मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकती। आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।